जुमे की नमाज में कम नमाजियों की अपील। जहां पूरे देश में कोरोना को लेकर पूरा देश दुखी है, जिसके चलते आज बागपत के बड़ौत क्षेत्र के शाही इमाम मौलाना आरिफुल हक ने शहर की जनता से अपील की है। दरअसल आपको बता दें कि कोरोना वायरस के चलते देश बहुत बड़ी समस्या में है। ये बहुत ही घातक बीमारी है जिसका इलाज अभी संभव नहीं है। इससे बचने के सिर्फ उपाय ही है, जिसके चलते आज बागपत के शहर इमाम मौलाना आरिफुल हक ने अपील की है। आज होने वाली जुमे की नमाज अदायगी में कम से कम रहे नमाजी। जिन्हें खांसी है, बीमारी है, वो सभी लोग मस्जिद के बजाय घरों में रहकर ही नमाज अदा करें। एहतियात के तौर पर मस्जिदों में खास तौर पर साफ सफाई रखने का निर्देश दिया। सभी मदरसे रहेंगे बंद। आगामी 2 अप्रैल तक अध्यापकों व बच्चों की छुट्टी के भी निर्देश जारी। बड़ौत की फूंस वाली मस्जिद के शहर इमाम ने वीडियो जारी किया। अपने तमाम बागपत के जिम्मेदार साथियों से गुजारिश करना चाहता हूँ, मुतवल्लियान से भी और मदारिस के जिम्मेदारान से भी, कि ये जो इस वक्त वबा कोरोना वायरस के नाम से चल रही है, ऐसे माहौल में एहतियात के तौर पर मस्जिद में सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखा जाए और जिन मदारिस में तलबा हैं उनकी तादील कर दी जाए, छुट्टी कर दी जाए। चूँकि ये हुकूमत का एहतियाती तौर पर कदम है और तालीमी इदारे बिल्कुल हर तरह से बंद है, तो हमें भी हर तरह से हुकूमत के साथ कदम ब कदम बढ़ाते हुए इस पहल पर उसका पूरा तआवुन करना चाहिए। ख़ास तौर से जो जुमे की नमाज है, उन जुमे की नमाज में भी नमाजियों से अपील की जाए कि कम से कम नमाजी रहें, और जो खांसने वाले साथी हैं जिनको खांसने का आर्जा और मर्ज़ है, उनसे भी दरख्वास्त की जाए कि जब तक ये आर्जा रहे वो अपने घर पर ही नमाज अदा कर लें। शुक्रिया।